आज का पाठ है जेवर उधार ना लो वरना पछताओगे। दादाजी उधार का मतलब क्या है? कोई चीज आपके पास नहीं है और आपको उसकी जरूरत है तो आप उसे किसी दूसरे से मांग लेते हैं और काम अपना हो जाने के बाद उसे दूसरे को वापस कर देते हैं, तो ये हुआ उधार लेना। घोटक भैया, हम आपको अपनी अकल उधार नहीं देंगे वरना हम पछताएंगे। बाबूजी ये देखिए। चुप हो जा, एकदम चुप, मुंह पे ताला लगा ले। ये चाबी मैं अपने पास रख लेता हूँ, जब जरूरत होगी मुझसे मांग लेना। दीदी सोने का दाम इतना बढ़ गया है कि खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकते। क्यों? सोच सकते हैं, सिर्फ खरीद नहीं सकते, सोच के ही काम चलाना होगा। मयूरी छोड़ो ये सब, भागो यहाँ से। यार आ जाओ। कोयल। अरे आओ ना जल्दी। वो देखो मेरी बचपन की सहेली मोनिका, उसकी शादी बहुत बड़े घर में हुई है। तो इसकी छुपने वाली बात कौन सी है दीदी? छुपने वाली बात इसलिए, वो अगर हमें देख लेगी ना तो हमें चिपक जाएगी और अपने सारे कीमती चीजों का एग्जीबिशन लगा देगी। बिना पूछे ही सारी चीजों के दाम बता देगी। बहुत पकाऊ है। दीदी तुम चिंता मत करो, मयूरी अभी जाके उसको बता देगी कि वो यहाँ से चली जाए। अरे नहीं, ऐसा तुम कुछ मत करना, चुपचाप यहाँ पे खड़ी रहना। ठीक है। इस तरफ आ रही है। हाँ गाड़ी रोको। चल 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 दीदी निकलते, चल चल। कोयल कोयल। अरे मोनिका मोनिका। मयूरी ये मोनिका है मेरी सहेली। दीदी मयूरी को समझ में नहीं आ रहा है कि मयूरी को गुस्सा होना चाहिए या खुश। मयूरी कोयल तुम कैसी हो और ये कौन है? ये मेरी छोटी देवरानी है। हाय। और मैं वैसी हूँ जैसे पहले थी। अच्छा अच्छा, मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई। कब की? हाँ मैंने सुना, जब मैं लंदन में थी। नहीं नहीं पेरिस में थी, नहीं नहीं कनाडा में थी, ओह सॉरी सॉरी सिंगापुर में थी। एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे पति का बिजनेस इतना बड़ा है तो वह टूर पे जाती रहती हूँ, तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं कब कौन से देश में थी। वो क्या है ना मोनिका की हर चीज कॉस्टली है। मोनिका। अच्छा तुम्हारे हस्बैंड क्या करते? ओ, टीसी है ना? ट्रेन में कुछ टिकट छापने वापने का काम करते हैं। Am I right? टीसी मतलब टिकट छापना नहीं, टिकट चेक करना होता है। सॉरी वो क्या है ना, मैंने काफी दिनों से ट्रेन में सफर नहीं किया इसलिए थोड़ा भूल गई थी। अरे लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? वैसे तो मैं यहाँ आती नहीं हूँ, वो मंदिर वाली हवेली है ना, वो मेरे पति की पुश्तैनी हवेली है, वही जो 3 बीघा में फैली हुई है। हाँ वही, उसी को बेचने के सिलसिले में मैं यहाँ आई थी। ऐसे छोटे मोटे सौदे मैं ही कर लेती हूँ, यू नो मोनिका की हर चीज कॉस्टली होती है। यही कहीं रहती हो? हाँ ये हमारा घर है, आओ ना अंदर चल के बैठ के बातें करेंगे। अच्छा आओ ना आओ अंदर चलो। ये चिड़िया घर में रहती हो तुम? अच्छा बंगलो है, स्मॉल एंड स्वीट, पर मैं आज नहीं आ सकती। वो क्या है ना, आज मुझे रजवाड़ी ज्वेलरी एग्जीबिशन में जाना है, थोड़ा लेट हो रहा है ना, मैं कल आऊंगी। ठीक है फिर कल बैठ के आराम से बातें करेंगे। ओके। अरे मैं सुनीता रश्मि मोना सबको बोल दूंगी कि तुम्हारे पति टीसी हैं। वो क्या है ना, वो लोग ट्रेन में सफर करते रहते हैं तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है, यू नो मेरा हेल्पिंग नेचर, खासकर
फ्रेंड्स के लिए, तो मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, बहुत गर्मी हो रही है। यहाँ मेरी 18 लाख की गाड़ी में एसी चालू है। यू नो, मोनिका की हर चीज कॉस्टली होती है, तो मैं चलू। बाय बाय। हेलो, हरिओम हरिओम हरिओम। घूंगू क्या कर रहा है, बात कर। हरिओम, बात कैसे करेगा बेटा, तेरी तो बोलती बंद है। थोड़ी देर तो शांति मिली। मम्मी नमस्ते। हाँ, हमारे यहाँ एक मेहमान आ रहे हैं, आप बाद में फोन करना इसी नंबर पे। हाँ मम्मी। कोयल, तुम्हारी फ्रेंड ऐसी कौन सी राजधानी है जो सारे कंपार्टमेंट के कंबल बदलवा दिए? आपको पता है, उसका हस्बैंड बहुत बड़ा आदमी है। क्या वो बाऊजी से भी बड़े हैं? गधा कहीं का, उम्र में बड़े नहीं है, पैसे से बड़े हैं। पता है, बहुत अमीर है वो। तो हाँ, वो लोग इतने अमीर है कि कभी ट्रेन में भी नहीं बैठे। तो क्या खड़े खड़े सफर करते हैं? क्वेश्चन मार्क। ऐसे कैसे अमीर आदमी है जो ट्रेन में रिजर्वेशन तक नहीं करवा सकते? डॉट 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 डॉट। हमारा नाम गद्दा प्रसाद है, इस घर के नौकर। मम्मी, दूर रहकर बात करो। मोनिका आंटी कैसी हैं? आंटी, अरे मोनिका, तुम आ गई। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आओ ना, आओ, मैं फैमिली से मिलवा देती हूँ। आओ आओ, ये हमारे डैडी जी। बाबूजी, बाबूजी मोनिका। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या बात है बेटा, सर में दर्द है? नहीं जी नहीं, वो ये मेरी 2 लाख की घड़ी है ना, तो मैं चेक कर रही थी कहीं गिर तो नहीं गई। नहीं गिरेगी, लॉक टाइट है। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड बहुत जिद्दी हैं। मैंने उनसे ये 1 लाख का ब्रेसलेट मांगा था और उन्होंने ये 2 लाख की घड़ी भी ला दी। यू नो, मोनिका की हर चीज
कॉस्टली है। ये है मेरा बेटा गिल्लू। क्यूट है। एंड ही इज माय हबी। भटकना है। नमस्ते आरटीसी। टेक केयर शॉर्ट फॉर्म। वैसे सारा रेलवे यही संभालते हैं। कोई नई बात नहीं है, अगर आपको कुछ काम हो तो जरूर बताइएगा। जब क्या बताऊं, ट्रेन में आना जाना कभी होता ही नहीं। मैंने फिल्मों में देखा था ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, और नेकलेस चेन वगैरह पहना होता है ना, तो ट्रेन में सफर करना थोड़ा रिस्की होता है। तो बहुत रिस्की होता है, और खासकर जब नेकलेस 4 लाख का हो। यू नो मोनिका की हर चीज कॉस्टली है। वैसे मोनिका तुम्हारा हार बहुत सुंदर है। मोनिका क्या मैं इसे देख सकती हूँ? अरे देख क्या, तुम तो इसे पहन भी सकती हो। पहन लो। हाँ ये तुम्हारा ही समझो, लो पहनो। वो क्या है ना, रश्मि सीता मोना मेरे सब फ्रेंड्स मुझसे गहने मांग के ले जाती है, और मैं उनको दे भी देती हूँ। यू नो मैं मना नहीं करती। मुझ पे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल पैलेस ऑन व्हील्स लग रही हो। दीदी सच में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मयूरी का मन खुशी के मारे नाचने का कर रहा है। जल्दी से मेरे एक फोटो खींचिए ना, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ क्यों नहीं, इधर देखो। वो क्या है ना, मेरी शादी के बाद सब लोग मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे थे कि NRI पति है, पता नहीं एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, पर मैं कान की कच्ची थोड़े ना हूँ, और मैं लोगों की परवाह नहीं करती। मैं एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। बहुत अच्छा करती हो। अब हम लंच करें, बाकी बातें बाद में करते हैं। बेटा कोयल, मोनिका जी अभी से खाना कैसे खा सकती हैं? क्यों? बेटा अभी तो मोनिका जी ने अपने कान में क्या पहना है और वो कितने का है ये बताना बाकी है। बाबूजी आपने तो मेरे कान की बात, मतलब मुंह की बात छीन ली। ये ना झुमके व्हाइट गोल्ड के हैं। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ दुबई गई ना, तो मुझे ये झुमके बहुत पसंद आए, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मोनिका डार्लिंग ये हमारी मंथली मैरिज एनिवर्सरी है, अगर तुम्हें ये झुमके पसंद आ गए हैं तो तुम ले लो ना, 2-3 लाख के पीछे मन क्यों खट्टा करना। तो मैंने ले लिए। यू नो मोनिका की हर चीज कॉस्टली होती है। मोनिका जी अब खाना खाने चले? हाँ अब खा सकते हैं। बेटा ये सब क्या है? ये सब डाइट फूड है बाबूजी, अमीर लोग ये सब खाते हैं। मोनिका जी आई है ना। मोनिका तुम बैठी क्यों हो, खाओ ना खाओ। वो क्या है ना, शुरू तो मैं कर दूं, अगर टेबल नैपकिन मिल जाता तो अच्छा होता। वो क्या है ना, मेरी 18,000 की साड़ी है ना, अगर दाग लग गया तो दाग वाली साड़ी नौकरानी को देते हुए अच्छा नहीं लगता। यू नो मोनिका की हर चीज कॉस्टली होती है, नौकरानी बेचारी कहाँ से ड्राई क्लीन करवाती फिरेगी। यू नो माई हेल्पिंग नेचर। गदा प्रसाद जाओ नैपकिन लेके आओ। मोनिका आंटी नैपकिन। अरे वहाँ क्यों खड़े हो,
यहाँ के दो ना। आप ही ने तो कहा था मुझसे दूर रहना। मैंने कहा था ना ये बहुत भोला है, जो बोलो वही करता है। गदा प्रसाद पास आके नैपकिन दो। कोयल ये तुमने बहुत अच्छा किया जो डाइट फूड बना दिया। गदा प्रसाद मेरे लिए पानी लेकर आओ। अच्छा कोयल तुम्हें कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे बोलना। यू नो माई हेल्पिंग नेचर। पानी पीने का पानी मांगा और ये बाल्टी में लेकर आ गया। मोनिका जी आपको कोयल ने बताया था ना ये गधा प्रसाद बहुत भोला है। oh yeah. जो कहो बस जू का त्यू कर देता है। बाबूजी आप कह रही हैं कि ये बहुत भोला है, मुझे तो ये ओवर स्मार्ट लगता है। और आप कह रहे हैं इसे जो कहो वही करता है। अच्छा अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये पानी मेरे सर पे डाल दो तो ये सच में डाल देगा क्या? आप कहे कि देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है बाबूजी बिल्कुल सही। इसका क्या करें? मेरे सर पे डाल दो। हरि ओम हरि ओम। तो कहा था सर पे डाल दे, डाल दिया। तुम्हारा हार। अरे ये छोड़ो मेरा 30,000 का गॉगल। सॉरी कोयल मैं जा रही हूँ। बाय। मोनिका नाराज मत होना। सॉरी मोनिका। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.